दोस्तों, आज हम ऐसे जानवर की केस फाइल सुलझाएंगे जिसके नाम से पूरी दुनिया कांप उठती है। एक ऐसा जानवर जिसने पूरी दुनिया में डर का माहौल पैदा किया है, जिसका नाम है चुपाकाबरा। इतिहास। साल 1975 में मोक्को नाम के एक छोटे से गांव में कुछ पालतू जानवरों की रहस्यमय मौत हुई थी। तभी सभी लोगों का शक वैम्पायर नाम के पिशाच चपे हो रहा था। मरे हुए उन जानवरों का पूरा खून किसी ने चूस लिया था। साल 1995 मार्च, पुएर्टो रिको में एक किसान के 8 भेड़ अचानक से मरे हुए मिले। उनके सभी के सीने पर 3 छेद दिखाई दे रहे थे। उनकी जांच करने पर यह पता चला कि उनके शरीर से किसी ने पूरा खून चूस लिया है। साल 1995 अगस्त, कुछ महीने बाद मैडलिन टोलेंटिनो नाम की महिला ने उसी पुएर्टो रिको में एक अजीबोगरीब जानवर को देखने का दावा किया। तब तक करीब 150 छोटे बड़े जानवर किसी प्रकार रहस्यमय रूप से मरे हुए पाए। नाम। जब पुएर्टो रिको में उस जानवर की चर्चा थी, तभी उसी जगह के एक कॉमेडियन सिल्वेरियो पेरेज ने उस जीव का नाम चुपाकाबरा रखा। चुपाकाबरा ये नाम असल में स्पैनिश नाम है, जिसका मतलब होता है चुपा यानी चूसना, काबरा यानी भेड़, भेड़ों का खून चूसने वाला। क्षेत्र। वो जानवर कैरिबियन के पुएर्टो रिको, मध्य और दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका के मैक्सिको और साउथर्न यूनाइटेड स्टेट्स में भी दिखाई दिया। दिखावट या रूप। चुपाकाबरा अलग अलग रूप में दिखाई दिए। चुपाकाबरा एक रेंगने वाला या फिर एक सरीसृप जैसा जीव होता है, जिसकी त्वचा चिकने हरे रंग की होती है। उसकी त्वचा पे कोई बाल नहीं होते। चुपाकाबरा की रीढ़ की हड्डी नुकीली तेज होती है, जो उसकी पीठ से किसी कील की तरह बाहर निकली होती है। कहा जाता है यह जानवर कंगारू की तरह पिछले पैर पे चलता है, जिससे उसके आगे के पैर छोटे और पिछले पैर ज्यादा मजबूत और मोटे दिखाई देते हैं। वो किसी कंगारू की तरह पिछले पैर से लंबी छलांगे मार सकता है। उसकी दो लाल रंग की आंखें होती है, जो रात के अंधेरे में चमकती है। उसके मुंह में लंबे नुकीले कई दांत होते हैं। उसके सिर से लेके पूंछ तक कांटों जैसे उभार पाए जाते हैं। पर कई लोगों का यह मानना है कि चुपाकाबरा कुत्ते या फिर भेड़ियों की तरह दिखता है। उसके शरीर पे काफी कम बाल होते हैं। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें होती है। उसके नुकीले दांत और तेज नाखून होते हैं। कद या आकार। प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि चुपाकाबरा कद में 3 से 4 फुट आकार के होते हैं। वजन। चुपाकाबरा का वजन 15 से 40 किलो तक हो सकता है। शिकार। माना जाता है चुपाकाबरा का प्रमुख शिकार भेड़ होते हैं, पर वह खरगोश, मुर्गी, कुत्ते, बिल्ली जैसे छोटे शिकारों से लेकर गाय जैसे बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं शिकार?
जिन जानवरों का चुपाकाबरा द्वारा शिकार होता है उन जानवरों के शरीर पे 3 छेद दिखाई देते हैं। कहा जाता है चुपाकाबरा उन्हीं 3 छेदों से शिकार हुए उस जानवर का पूरा खून चूस लेते हैं। चुपाकाबरा द्वारा शिकार हुए जानवर के शरीर पे उन 3 छेदों के अलावा कोई गहरे घाव नहीं दिखाई देते, पर चुपाकाबरा द्वारा शिकार हुए कुछ जानवरों के अंतर इंद्रिय भी गायब पाए गए हैं। कहा जाता है चुपाकाबरा उन्हीं 3 छेदों से उन जानवरों के फेफड़े और दिल भी चूस लेता है। खोज। चुपाकाबरा पर 5 साल खोज करने के बाद बेंजामिन रेडफोर्ड ने 2011 में एक किताब लिखी जिसमें यह बताया गया कि प्रत्यक्षदर्शी मैडलिन टोलेंटिनो नामक महिला ने जो चुपाकाबरा का वर्णन किया है वह सील नाम के एक एलियन से काफी मिलता जुलता है, जो स्पेसिस नाम के फिल्म में दिखाया गया था। उनका मानना है कि उन्होंने उस अजीबोगरीब जानवर को देखने का दावा करने से कुछ समय पहले वो फिल्म देखी होगी। वह फिल्म और उस जगह की घटनाएं दोनों एक ही समय घट रही थी, इसलिए उस चुपाकाबरा के विवरण पर हम यकीन नहीं कर सकते। यही नहीं, चुपाकाबरा खून चूसने वाला एक जीव है, इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि चुपाकाबरा द्वारा शिकार हुए करीब 300 संदेहजनक जानवरों की जांच करने पर यह पता चला कि उन जानवरों के शरीर में अभी भी खून मौजूद था, यानी उनका दावा झूठ निकला। जांच से पता चला कुछ लोग कुत्ता, लोमड़ी या फिर भेड़िये को ही चुपाकाबरा समझ रहे हैं, पर असल में स्केबीज नाम के बीमारी से ग्रस्त इन जानवरों के शरीर पर खुजली होती है। बार बार खुजाने से उनके शरीर के बाल झड़ जाते हैं, जिससे वह रहस्यमयी चुपाकाबरा की तरह दिखते हैं। काफी लोग बताते हैं अगर बीमारी ग्रस्त केनाइंस ही चुपाकाबरा है तो केनाइंस का शिकार करने का तरीका तो अलग होता है। वो सिर्फ मांस के लिए शिकार करते हैं, पर चुपाकाबरा से शिकार हुए जानवरों पे कोई दूसरे गहरे घाव नहीं होते, पर ये लोगों की गलत फहमी है। कम अनुभव वाले जानवर या फिर किसी बीमारी से ग्रस्त जानवर अपने शिकार को खा नहीं सकते, वो अपने केनाइन दांतों से उनको घायल करते हैं, पर वो उन्हें पूरी तरह से मार नहीं सकते। इससे वह जानवर बच तो जाते हैं, पर आंतरिक रक्तस्राव से उनकी आगे जाके मौत होती है। जांच से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चुपाकाबरा का अस्तित्व ना के बराबर है। चुपाकाबरा के होने पर कोई पुख्ता सबूत हमें नहीं मिले। जो कुछ मिला है उससे यह पता चलता है कि बीमारी से ग्रस्त केनाइन जानवरों को ही लोग चुपाकाबरा समझ रहे हैं। चुपाकाबरा की इस केस में रुचि दिखाने के लिए धन्यवाद। केस क्लोज।